से सवारी बिठाई थी मैंने खैड़ विश्राम स्थल के लिए, तो यहाँ से हमारे अध्यक्ष साहब ने बोल रखा कि माइल्स वाले रास्ते से आपको अलाउड है, वहाँ से आप जा सकते हो। तो सर मैं यहाँ से वहाँ माइल्स वाले रास्ते से गया था सर सवारी छोड़ने, तो सवारी भी क्या है उसके बाद लगेज वगैरह सर ज़्यादा था, तो इस बीच में क्या है सवारी भरी हुई थी उसमें 6-7 सवारी थी सर, और उसके बावजूद भी मैंने पुलिस वाले से बोल दिया कि मैंने क्या पहले बैनर से पहले रोक दिया, ब्रैकेट से आता है ना उनको स्टॉप, वहीं पर मैंने गाड़ी रोक दी थी सर। उसके बावजूद वो पुलिस वाले बोले कि यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ, मैंने कहा सर ये सवारी उतर के चल जाएगी तो अभी हटा दूंगा मैं गाड़ी, ऐसे हटा ही रहा हूँ मैं, जबकि बकायदा सर 100 मीटर दूरी पर मैंने गाड़ी लगाई थी। उसके बावजूद वो पुलिस वाले बोले यहाँ से हटाओ हटाओ हटाओ, नहीं तो या तो फिर मेरे उसने थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया उसने। मैंने कहा सर आप मार क्यों रहे हो सर मुझे, फिर उसने बोला नहीं ज़्यादा बोलते, बोले कि यहाँ से हमें पैसे दो तो चले हो नहीं तो मत चलो यहाँ पे, और फिर उसके बाद मुझे बुरी तरह मारा सर। सर अभी हमने धरना दे दिया यहाँ पे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है जब तक उन पुलिस वालों को लाइन हाजिर नहीं कर दिया जाता है जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे धरना देते हुए, अगर हमारी बात नहीं माने प्रशासन पूरा चक्का जाम करेंगे, हम यहीं पे चक्का जाम कर देंगे, हमारी प्रशासन नहीं मांग सुनता तो वीडियो सबके पास है, उनकी ड्यूटी वहीं लग रही है। नाम सर उनका पता नहीं था, उन्होंने क्या है गमछा डाल रखा था सर, वो प्लेट नंबर जो उनके थे वो मुड़ी रखे थे, वो क्या है जो मोड़ के रखते पुलिस वाले ताकि क्या है हमारा नाम पता नहीं पड़े। आपका नाम बताओ। मैं सर नाम आकाश है सर। क्या कारण रहा मारने का? मारने का कारण यही है कि सर वो बोल रहे थे कि यहाँ से सवारी हटाओ और उतार के आगे ले जाओ, नहीं तो 1 किलोमीटर दूर पे उतारो सवारी। मैंने कहा सर 1 किलोमीटर दूर पे उतारेंगे तो फिर हमें पैसे भी नहीं देगी सवारी और सवारी हमसे माथापोड़ी करेगी। मेरा नाम सर आकाश है। हमारे चालक है ये लोग, और अभी जो मिनी बस चल रहा है उसमें सवारियाँ लेके जाते हैं रोडवेज में, और इनमें आपस में कोई आमना सामना ना हो इसके लिए इनको अलग से पीछे का रास्ता जिंक वाला दे रखा है। तो आज ही इनके जो भंवर सिंह जी है वो आए थे कि कल कोई अपने किसी पुलिसकर्मी ने इनके साथ मतलब वहाँ टेम्पो लेके गए तो किसी के साथ इनके साथ मारपीट वगैरह की है, तो इसके लिए हमने इनको इंश्योर किया है कि अगर गलत काम हुआ है तो गलत चाहे किसी के द्वारा हुआ होगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, और अभी इनको संतुष्ट समझाइश कर दी गई है और अभी बोला आप अपने काम पे जाओ, और 3-4 लोग हैं अगर आपके खिलाफ़ कुछ हुआ है तो आप कंप्लेन दें, बिल्कुल जो भी जिस स्तर पे समस्या का निस्तारण होगा वो हो जाएगा। वीडियो भी आया है, हाँ जी उनका वीडियो भी वायरल हुआ है। हाँ वीडियो मैंने देखा नहीं, अगर वायरल हुआ और सच में मारपीट हुई तो बिल्कुल जो भी कानून के सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी बिल्कुल। नहीं ट्रैफिक अभी मैं अभी मतलब आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि झगड़ा जिससे हुआ है वो ट्रैफिक कर्मी था या बाकी, जिस जगह बता रहे हो मुझे पूरा मतलब विश्वास है ट्रैफिक कर्मी नहीं था, जनरल हो सकता है जो लाइन वगैरह का जाप्ता वगैरह हो उनको जानकारी नहीं होगी, उसमें हो सकता है कुछ, अब दोनों पक्षों के बीच में क्या प्रॉब्लम थी वो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती।